जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम पांडे भव्यंग क्लासेस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आइलैंड के बारे में। ठीक है, आज मैं लेकर आया हूं आइलैंड के बारे में। तो आइलैंड के बारे में आज संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जल्दी से जल्दी पहले लाइव आओ, तुरंत जल्दी से पहले जल्दी लाइव आओ। साक्षी त्रिपाठी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। जल्दी से जल्दी पहले लाइव आओ और जल्दी से शेयर करो चैनल को, चैनल को शेयर करो तुरंत और लाइक करो तुरंत जल्दी से। ठीक है, जल्दी जल्दी पहले चैनल को पहले शेयर करो और फिर लाइक करो तुरंत, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो यहां पर तुरंत। ठीक है बच्चा, जल्दी से ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए यहां पर। ठीक है ना, चलिए आज का टॉपिक हमारा क्या है, आइलैंड है। क्या है आज का टॉपिक हमारा, क्या है, आइलैंड है। तो आइलैंड के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी लेंगे कि आइलैंड होता क्या है। ठीक है ना, तो जल्दी से पहले शेयर करो तुरंत। चलिए शुरू करते हैं आइलैंड के बारे में। तो आइलैंड को समझने के लिए पहले आपको पहले डिस्क्रिप्शन दे दूं कि आइलैंड बनते कैसे हमारे। ठीक है, आइलैंड बनते कैसे, क्वेश्चन पहले बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे आइलैंड के बारे में, थोड़ा आइलैंड जान लेते हैं कि आइलैंड बनते कैसे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका वहीं से बनता है। ठीक है, देखो हमारे पास भारत में जो आइलैंड है वो कितने हैं, दो हैं। कितने हैं, दो हैं आइलैंड। आइलैंड कितने बच्चा, दो आइलैंड है हमारे। कौन कौन से, पहला आप बोलेंगे क्या, पहला आप बोलेंगे एक है आपका अंडमान निकोबार। क्या है, अंडमान, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार। और दूसरा हमारे पास आइलैंड है वो कौन सा है, वो है आपका लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप है हमारा, लक्षद्वीप। तो भारत में हमारे पास वर्तमान में जो दो आइलैंड है वो कितने हैं, दो आइलैंड है बच्चा। कोई दिक्कत है यहां पर, कोई दिक्कत। अब हमको समझना है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हमारे फॉर्म कैसे हुए हैं। ठीक है, हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हमारे आइलैंड जो है वो फॉर्म कैसे हुए हैं, जल्दी से जल्दी पहले शेयर करो चैनल को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए सेशन से। आज हम पढ़ने वाले क्या, आइलैंड के बारे में। ठीक है, आइलैंड पढ़ेंगे आज। तो देखो भारत में दो आइलैंड है। ठीक है, इसकी स्थिति पहले जान लेते हैं, स्थिति कौन सी है। जैसे कि मान लीजिए हमारा साउथ इंडिया के बारे है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, अंडमान निकोबार, और यहाँ पर क्या हमारा लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप है। तो हमको जानना है कि अंडमान निकोबार की फॉर्मेशन और लक्षद्वीप की फॉर्मेशन जाननी है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं अंडमान निकोबार का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो सुनो, अंडमान निकोबार का जो फॉर्मेशन हुआ है कुछ इस तरह से हुआ है। मैंने आपको बताया था जब माउंटेन जब पढ़ा, मैंने पढ़ाया था आपको कि ऊपर क्या हमारा यूरेशियन प्लेट है। क्या है, यूरेशियन प्लेट है हमारा। ठीक है, यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और नीचे हमारा क्या था, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट था। क्या था, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट था। तो जब ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकरा रहा था तो हमारा जो मूवमेंट है, देखिए मेरे हाथ तो देखिएगा, मेरा जो मूवमेंट है कुछ इस तरह से होके ऐसे हुआ था। ठीक है, कैसे, ऐसे होते हुए ऐसे शिफ्ट हुआ था। तो ये वाली जो उंगली है जो शिफ्ट हो रही है, तो इसी से क्या फॉर्मेशन हुआ है, अंडमान निकोबार हुआ है। तो अगर आपसे पूछता है कि अंडमान निकोबार का जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि कॉलिजन ऑफ, क्या बोलोगे, कॉलिजन ऑफ, कॉलिजन ऑफ यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। क्या बोलोगे, यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट बोलोगे। कोई समस्या यहां पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब हमारा जो अंडमान निकोबार है, ठीक है, हमारा जो अंडमान निकोबार है वो कैसा है, देखो
अंडमान हमारा अलग है और निकोबार हमारा अलग है, ठीक है। तो अंडमान के लिए, अंडमान के हमारे चार आइलैंड होते हैं, कितने? चार आइलैंड हैं हमारे, किसके? अंडमान के, ठीक है। कितने आइलैंड हमारे? चार आइलैंड हैं। पहले का नाम है नॉर्थ अंडमान, क्या है बच्चा? नॉर्थ अंडमान नाम है, नॉर्थ अंडमान, ठीक है। इसका नाम है हमारा मिडिल अंडमान, क्या नाम है इसको? हम बोलते हैं मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लिटिल अंडमान, क्या बोलते हैं? लिटिल अंडमान बोलते हैं, लिटिल अंडमान बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं साउथ अंडमान, क्या बोलते हैं? साउथ अंडमान बोलते हैं। तो हमारा जो अंडमान जो बटा है वो कितने भागों में बटा है? चार भागों में बटा है, ठीक है। अब इसके नीचे हमारा क्या आता है? निकोबार, क्या आता है? निकोबार। और निकोबार के हमारे तीन आइलैंड है बच्चा, कितने? तीन आइलैंड है, ठीक है। पहला आपका कार निकोबार, क्या है? कार निकोबार, ठीक है। पहला आइलैंड कौन सा है? कार निकोबार। फिर है हमारा लिटिल निकोबार, क्या है? लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्रेट निकोबार, क्या है? ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। अब देखो, ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया कि अंडमान के हमारे चार आइलैंड हैं, कितने आइलैंड हैं? चार। और निकोबार के लिए आइलैंड हो गए तीन आइलैंड हो गए, ठीक है। यहां तो कोई समस्या, कोई दिक्कत? जल्दी से कमेंट करो, कोई दिक्कत है यहां पे कि हमारे पास अंडमान के हमारे पास चार आइलैंड हो गए और निकोबार के पास कितने आइलैंड हो गए? तीन आइलैंड हो गए, यहां पर कोई समस्या? ठीक है। अब देखो, अंडमान और निकोबार को बांटने वाली एक चैनल का नाम है जो हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। उस चैनल का नाम क्या होगा? तो सुनो, यहां से एक चैनल गुजरती है हमारी, एक चैनल यहां से गुजरती है, ठीक है। इस चैनल का नाम क्या है? तो बोलोगे क्या? 10 डिग्री चैनल, क्या बोलोगे? 10 डिग्री चैनल बोलोगे। समुद्र के चौड़े रास्ते को हम क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो चैनल वही है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अंडमान और निकोबार को बांटने वाली डिग्री का नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे बच्चा? आप बोलोगे 10 डिग्री चैनल बोलोगी। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ दे कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? पोर्ट ब्लेयर, क्या बोलोगे? पोर्ट ब्लेयर बोलोगे। कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए, समझे? कोई दिक्कत यहां पर? क्या होगी राजधानी? ये हमारी क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी बच्चा, क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी हमारी। तो कैपिटल हमारी क्या है? वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। कोई समस्या यहां तक? ठीक है। अब हमने पढ़ लिया अंडमान निकोबार, ठीक है। अब देखो, आपको मैं चीज बता दूं, ठीक है। यहां पर एक सुने हो गया आप लोग कोको स्टेट, यहां से भी क्वेश्चन आके बनते हैं कोको स्टेट क्या होता है। तो कोको स्टेट हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या है? कोको आइलैंड है, क्या है? कोको आइलैंड है हमारा, कोको आइलैंड, जो कि किसके नेतृत्व में है? वो है आपके पास म्यांमार के कब्जे में है, वो किसके? म्यांमार के, ठीक है। वो किसके हैं? म्यांमार के हैं। और यहाँ पर हमारा शुरू हो जाता है अंडमान और निकोबार, हमारा ये शुरू हो जाता है आपका अंडमान और निकोबार आपका शुरू हो जाता है। तो आपका पूछता है कि कोको स्टेट कहाँ पे लाई करता है, तो आप बोलोगे कोको स्टेट हमारा यहाँ पे लाई करता है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि कोको स्टेट किन दो आइलैंड के बीच में बनता है, तो आप बोलोगे क्या? पहला आप बोलोगे कोको आइलैंड, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या है, यहाँ पे नॉर्थ अंडमान है, कहाँ है? नॉर्थ अंडमान है, यहाँ पे नॉर्थ अंडमान, ठीक है, नॉर्थ अंडमान है यहाँ पर। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? तो पूछेगा
कि नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में कौन सी स्टेट पड़ती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोको स्टेट कहाँ पे लाई करता है, तो आप बोलोगे कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान, और नॉर्थ अंडमान ना देकर क्या दे देगा आपको, अंडमान निकोबार दे देगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ पर, चलिए जल्दी बताओ कोई समस्या यहाँ पर, यहाँ पे तक कोई दिक्कत है आपको। साक्षी त्रिपाठी बोली सर बंदर आ गया हॉस्टल में, बच के रहना, ठीक है, बच के रहो भैया बंदरों से, हनुमान जी की टोली आ गई है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप क्या होता है और लक्षद्वीप बना कैसे, सुनो लक्षद्वीप के बारे में, ये हमारा क्या हो जाएगा लक्षद्वीप। पहले हम जान लेते हैं बना कैसे, फिर हम बाद में क्वेश्चन लगाते हैं कि क्वेश्चन फिर आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। लक्षद्वीप सुनो, लक्षद्वीप ठीक है वो कैसे बना है, तो आप बोलोगे ये बना है आपका कोरल रीफ से बना है, किससे बना है बच्चा, आप बोलोगे ये बना है आपका कोरल रीफ से, कोरल रीफ से बना है, कोरल रीफ से बना है। और कोरल रीफ को हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ को हम बोलते हैं प्रवाल भित्ति, क्या बोलते हैं प्रवाल भित्ति बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं प्रवाल भित्ति बोलते हैं, कोई समस्या यहाँ पर, कोरल रीफ को हम क्या बोलते हैं प्रवाल भित्ति बोलते हैं। तो लक्षद्वीप का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है, कोरल रीफ से हुआ है। समुद्र में आप देखते होंगे रंग बिरंगे पौधे होते हैं, ठीक है, वही हमारी क्या है कोरल रीफ है। और कोरल रीफ में हमारे दो सब्सटेंस आते हैं, ठीक है, पहला हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और दूसरा हो जाता है माइक्रो प्लांट, क्या हो जाता है माइक्रो प्लांट, ठीक है माइक्रो प्लांट। हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, वो है आपका कोरल पॉलिप्स, क्या है आपका कोरल पॉलिप्स, कोरल पॉलिप्स नाम है, ठीक है, क्या नाम है आपका कोरल पॉलिप्स नाम है। और जो माइक्रो प्लांट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ज़ूज़ेंथला, क्या है ज़ूज़ेंथला नाम है उसका, ज़ूज़ेंथला नाम है, ठीक है बच्चा, क्या नाम है इसका ज़ूज़ेंथला नाम है। अब देखो कोरल पॉलिप्स को हम, कोरल पॉलिप्स के पास क्या होता है, इसके पास होता है ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या होता है फूड होता है, इसके पास क्या होता है ऑक्सीजन और फूड होता है, ठीक है, और इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है CO2 और होम, ठीक है, इसके पास क्या होता है CO2 और होम होता है। तो ऑक्सीजन अगर है तो उसको CO2 चाहिए होगा, और उसके बाद खाना है तो घर भी होना चाहिए, तो कुछ तुम्हारे पास है कुछ हमारे पास है, ठीक है, तो दोनों मिल जाओ एक क्या हो जाएगी पूर्ति हो जाएगी, तो ये दोनों आपस से क्या बना लेते हैं रिलेशनशिप बना लेते हैं, भाई इनको ये ज़रूरत है और इनको ये ज़रूरत है, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं इसका एक नाम होता है, क्या होता है वो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, क्या हो जाता है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेता हमारा, ठीक है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेता है, यहाँ तो कोई समस्या। देखो लक्षद्वीप हमारा है तो लक्षद्वीप किससे बना है, कोरल लीफ से बना है, किससे प्रवाल भित्ति, और कोरल लीफ के पास क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो प्लांट है, कोरल पॉलिप्स एक तरह का जीव है और माइक्रो प्लांट कौन सा है ज़ूज़ेंथला है, कोरल पॉलिप्स के पास क्या है ऑक्सीजन है और फूड है, और ज़ूज़ेंथला के पास क्या है CO2 और है होम है, ठीक है, ये दोनों आपस में रिलेशन बनाती है और उस रिलेशन का नाम क्या है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब बात आती है कि आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ किससे, ठीक है आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ किससे, तो सुनो आइलैंड का फॉर्मेशन ऐसे हुआ जिस तरह हमारे लैंड पर, ठीक है
ठीक है, जब कोई स्थल से, ठीक है, सरफेस से जब कोई भी स्थल उठा होता है उससे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा समुद्र में कोई ऐसा स्थल ऐसा उठा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कटक बच्चा। क्या बोलते हैं? कटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटक, उससे हम बोलते हैं कटक बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, उठा हुआ है, स्थल से उठा हुआ है, पर ये फर्क क्या है, ये पानी में है और जो लैंड पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये सारे जीव हमारे यहीं पे आकर लद जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यहीं पे आकर बैठ जाते हैं। और इन जीव की खास बात क्या है, ये ज़्यादा टेम्परेचर ग्रहण नहीं कर सकते। अगर इनको 27 डिग्री सेल्सियस तक ही क्या होता है, टेम्परेचर ये सहन कर पाते हैं। अगर इनके पास क्या होता है, अगर टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, ये जीव डाई हो जाएंगे, मतलब कि मर जाएंगे। और मरने के बाद ये डिकम्पोज हो जाते हैं और इनकी जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, वो वहीं के वहीं पड़ी रहती है। ठीक है, और फिर मर जाने के बाद इनके ऊपर दूसरी पीढ़ी चढ़ती है। क्या चढ़ती है? दूसरी पीढ़ी। क्या चढ़ती है? दूसरी पीढ़ी चढ़ती है। और जब इनके साथ ही वही गतिविधि होती है, इनके साथ ही वो हो जाता है डिकम्पोज होने के बाद, हड्डी वहीं रहेगी, स्केलेटन वहीं रहेगा। और ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वो है समुद्र का सरफेस है हमारा ये, ठीक है, क्या है, समुद्र का सरफेस है। और ठीक इसी प्रकार ये हमारा आइलैंड पे आइलैंड ये, मतलब कि जो हमारे जीव हैं ये चढ़ते रहते हैं आपस में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये बहुत करोड़ों वर्ष तक चलता रहता है ये प्रोसेस। और कुछ करोड़ों साल बाद ये आइलैंड फॉर्म होता है, जब ये स्थल से उठ जाता है, ठीक है, जब स्थल से उठ जाता है, ठीक है, तब ये क्या बन गया, ये आइलैंड बन गया हमारा। ठीक है, ये सरफेस से क्या हो गया, ये उठ गया, अब ये स्थल समुद्र क्या दिखेगा, दिखेगा, अब कोई भी चारों तरफ घिरा हुआ कोई भी स्थल होता है उसे क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। अब ये आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया, तो हमारा जो लक्षद्वीप है अपना चार लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप जो हमारा ये बना है वो किससे बना है, आप बोलोगे सीधे कोरल रीफ से बना है। किससे बना है? कोरल रीफ से बना है, कोरल रीफ से बना है। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई समस्या, जल्दी कमेंट करो, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, गुड, चलो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब देखियो, हमने अंडमान निकोबार कैसे बना, लक्षद्वीप हमारा कैसे बना, हमने जान लिया, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ चैनल्स की, ठीक है, क्या करेंगे, कुछ चैनल्स से बात कर लेते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा अंडमान है और ये हमारा क्या है, निकोबार है। ठीक है, ये क्या है हमारा, अंडमान है, अंडमान, ये हमारा क्या है, अंडमान है और ये हमारा क्या है, निकोबार है। क्या है? निकोबार है। तो अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि अंडमान और निकोबार को बांटने वाले चैनल का नाम क्या था हमारा, अंडमान और निकोबार को चैनल बांटने वाला कौन सा था, अभी मैंने आपको बताया क्या था, वो था बच्चा आपका 10 डिग्री चैनल था, 10 डिग्री चैनल। कोई समस्या, क्या था आपका, 10 डिग्री चैनल था। ठीक है, अब देखो, अब आपसे पूछ दे कि लक्षद्वीप और क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, यहां से आके क्वेश्चन बनते हैं कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को बांटने वाली जो रेखा होगी वो कौन सी होगी, जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को बांटेगी उसकी रेखा का नाम क्या हो जाएगा, तो ये भी सुन लो, ये भी आपके एग्जाम में आता है, वो हो जाएगा आपका 9 डिग्री चैनल।
क्या हो जाएगा? 9 डिग्री चैनल हो जाएगा, 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ पर? अब नेक्स्ट थ्योरी क्या पूछेगा आपसे? नेक्स्ट ये पूछ लेगा, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है कि मिनिकॉय और मालदीव्स, मिनिकॉय और मालदीव्स को बांटने वाली जो रेखा होगी वो कौन सी होगी? जो मिनिकॉय और मालदीव्स को बांटेगी वो रेखा कौन सी हो जाएगी? तो वो बच्चा हो जाएगी हमारी कितनी? उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे 8 डिग्री चैनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 8 डिग्री चैनल बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कुछ चैनल्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे अंडमान निकोबार को बांटने वाले चैनल का नाम क्या होगा? 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को बांटने वाली कौन सी होगी? 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और मालदीव को बांटने वाली कौन सी चैनल होगी? 8 डिग्री चैनल। तो अब से ये क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं एग्जाम में, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन को याद कर लो तुरंत, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, रिपीट होते रहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई समस्या? चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है? ठीक है, क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ना लोगों को कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ सारे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सारे लगा लेना तो आईलैंड से कहीं क्वेश्चन आगे जाएंगे नहीं, पहली बात। ठीक है, देखो क्या बोला है कि हाउ मैनी एटॉल्स आर देयर इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने प्रबाल द्वीप एटॉल जिसे कहते हैं, ठीक है, वो कितने हैं? तो ऑप्शन आपके पास है 5, 10, 12 और 15। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो क्या होने चाहिए। ठीक है, हमको क्या बताने? हाउ मैनी एटॉल्स बताने, कितने होंगे? जल्दी से कमेंट करो तुरंत, कमेंट करो तुरंत कि हमारे जो एटॉल्स होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, गुड, सही बता रहे हो। ठीक है, तो हमारे जो एटॉल्स होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 5। कितने होंगे? 5 एटॉल्स होंगे। एटॉल्स क्या होता है? कहीं कहीं तुमने देखा होगा कि हमारे कुछ आइलैंड ऐसे दिखाई देते हैं अलग अलग इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दिखाई देते होंगे। ठीक है, ऐसे आसपास रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एटॉल्स बोलते हैं। ऐसे किनारे किनारे बने रहते हैं हमारे। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में फैले होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉल्स बोलते हैं। तो हमारे 5 एटॉल्स से मिलके क्या बना? हमारा लक्षद्वीप बना है। ठीक है ना, क्या बना है? लक्षद्वीप बना है। तो हमारे ये 5 एटॉल्स आपस में ऐसे मिले रहते हैं, समझ में आया? तो इसी से हमारा क्या बना है? हमारा लक्षद्वीप बना है। तो हमारे क्या है? ये एटॉल्स हैं हमारे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? ये हमारे क्या हैं? एटॉल्स हैं। कितनी संख्या है? 5। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो आई अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लगाने लग गया होंगे, सामर्थ्य होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ये कितने एटॉल्स होंगे? 5 एटॉल्स होंगे। ठीक है, बनाए मैंने 4 ही हैं। ठीक है, 5 हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो एग्जाम में लग नहीं पाते, एग्जाम में, समझ में आया? तो इसको यहीं से रख लो कि हाउ मैनी एटॉल्स होंगे, कितने होंगे? 5 एटॉल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? इसमें दे रखा है कि हाउ मैनी रीफ्स आर देयर इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितनी प्रवाल भित्ति हैं? देखो बता तो दिया था कि प्रवाल भित्ति से बना आपका लक्षद्वीप। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि इसमें प्रवाल कितनी है, अब इनको बताओ। ठीक है, तो देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है 5, 3, 7, 8, sorry 10। ठीक है, तो 5, 3, 7, 10 है आपकी क्या ऑप्शन है? तो बताना है कितनी प्रबाल भित्ति हैं।
कितनी रीफ्स हैं हमारी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन, हमारे कितने रीफ्स हैं? थ्री होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर थ्री होगा हमारा, सॉरी। यहाँ पे हमारी थ्री रीफ्स हो जाएंगी। कितनी रीफ हो जाएंगी? थ्री रीफ्स हो जाएंगी हमारी। तो लक्षद्वीप में कितनी पलाल भित्ती है? तो आप बोलोगे कितना? थ्री है। ठीक है, अब आते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है देखो, हाउ मैनी सबमर्ज्ड बैंक आर देयर इन लक्षद्वीप? ठीक है, कितने लक्षद्वीप में कितने जलमग्न तट हैं? जलमग्न तट कितने हैं? अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लेगा। ठीक है, तो जल्दी से शेयर करो तुरंत चैनल को। ठीक है, जल्दी से शेयर करो। साक्षी त्रिपाठी बोले जी सर। ठीक है, समझ में आया बच्चा? तो देखो, लक्षद्वीप में कितने जलमग्न तट होते हैं? तो वो होते हैं बच्चा आपका 10। कितने होते हैं? 10। तो 10 हमारे ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा? पोर्ट होगा, वही जल, जहाँ से जल का क्या है, तट से क्या होता है, मिलन होता है, उसे क्या बोलते हैं? जलमग्न तट बोलते हैं। तो कितने हैं आपके? 10 हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्या बोल रहा है कि वेयर आर द लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड? कि लक्षद्वीप हमारा कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप हमारा कहाँ पर स्थित है? मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, अब आप जानने के योग्य हो चुके हैं अब। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? साउथ इंडिया। ठीक है, हमारा लक्षद्वीप कहाँ पर लय करता है? यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लय करता है हमारा? अंडमान निकोबार लय करता है। ठीक है, और सुनो, इस तरफ हमारा कौन सा सी है? आप बोलोगे क्या है? अरेबियन सी है। कौन सा सी है? अरेबियन सी है। और यहाँ क्या बोलोगे आप? यहाँ पे बोलोगे आप लोग बैंक ऑफ, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं लिखा है, बीओबी जो लिख दिया है, ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है। बैंक ऑफ बड़ौदा में पढ़ लेना उसको, समझ में आया? और नीचे क्या होगा? हिंद महासागर होगा। क्या होगा? हिंद महासागर होगा। अब आप लोग अच्छे कैपेबल हैं, बता देंगे इसको कि लक्षद्वीप हमारा कहाँ पे स्थित करता है। क्वेश्चन बता जल्दी से। इंटरटेनमेंट वीडियोस बोल रहे हैं सी ऑप्शन, अरेबियन सी बोल रहे हैं। ऋषभ महाजन, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर? आई एम फैन ऋषभ। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ उसका। ऋषभ, क्या होगा इसका आंसर? लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित करता है? तो अभी मैंने आपको बताया लक्षद्वीप हमारा ये रहा, तो क्या हो जाएगा? अरेबियन सी हो जाएगा। अरेबियन सी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरेबियन सी में स्थित है। कोई समस्या यहाँ पर? कोई दिक्कत? जल्दी से पहले शेयर करो तुम चैनल को। यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको? शेयर करो। जल्दी शेयर करो तुम चैनल। ठीक है, तो बचल गया कि हमारे जो लक्षद्वीप है कहाँ पर स्थित करता है? अरेबियन सी में स्थित करता है। कोई समस्या यहाँ पर? अरेबियन सी में स्थित करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है? देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं लोग, ठीक है, कि लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। अब क्या बोल दिया उसने? लक्षद्वीप का क्या अर्थ है? लक्षद्वीप का क्या अर्थ है? ऐसी क्वेश्चन बनाती है एसएससी कि लोगों को हवा ही ना लगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो देखो, तो अरेबियन सी स्थित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लक्षद्वीप का क्या अर्थ है? अब हमको अर्थ बताना, हमको क्या बताना है? अर्थ बताना है। तो अर्थ में देखोगे ध्यान से कि इसमें ऑप्शन दे रखा है 1 लाख एटॉल्स, 1 लाख आइलैंड, 1 लाख रीफ्स, 1 लाख आर्चिपेलॉजी। ठीक है, तो देखो, हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर होगा। लक्षद्वीप का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? 1 लाख आइलैंड होता है। क्या होता है? 1 लाख आइलैंड होता है। 1 लाख
आइलैंड होता है। यहाँ पे कोई समस्या आपको, यहाँ पे कोई समस्या? प्रिया शर्मा बोल रही है रीफ्स, गुड बच्चा। रीफ्स से ही क्या होता है, लक्षद्वीप का निर्माण होता है, ठीक है, फॉर्मेशन रीफ से ही होता है, समझ में आ गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का मीनिंग समझ में आ गया क्या है, 1 लाख आइलैंड है। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है आपका, आप सुनो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड, ठीक है, इनमें से कौन सा आइलैंड, ऑल्सो नोन एज अ कार्डमम आइलैंड, ठीक है, हिंदी में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को इलायची द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, जल्दी से बताओ, कोई बताना चाहेगा इसका आंसर क्या होगा, कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को इलायची द्वीप कहते हैं, कोई बताना चाहेगा, बताओ जल्दी से। चलो अच्छी बात है, लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास जो ऑप्शन क्या है, कदमत आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, कवारत्ती आइलैंड और विरिंगली आइलैंड, ठीक है ना। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कदमत आइलैंड, क्या हो जाएगा, कदमत आइलैंड, कदमत आइलैंड, ठीक है, कदमत आइलैंड हो जाएगा। तो कदमत आइलैंड जो कि लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डमम आइलैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डमम आइलैंड बोलते हैं, समझ में आया। प्रिया शर्मा बोल रही है ए ऑप्शन, गुड बच्चा, कदमत आइलैंड ही होगा, ठीक है, इसी कदमत आइलैंड क्या बोलते हैं, कार्डमम आइलैंड बोलते हैं, आई बात समझ। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, देखिए, विच इज द वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, प्रिया शर्मा बोल रही है सर ए, ए होगा बच्चा, हिंदी, और कोई क्या होने चाहिए इसका आंसर, लक्षद्वीप में व्यापक रूप से कौन सी बोली जाती है भाषा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चा, कमेंट आ रहे हैं जल्दी करो, लक्षद्वीप में व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, जल्दी कमेंट करो, ठीक है, गुड। देखो जो लक्षद्वीप में हमारी जो भाषा बोली जाती है बच्चा ना, वो होती है हमारी मलयालम, कौन सी होती है, मलयालम भाषा बोली जाती है, याद रहे, लक्षद्वीप में जो व्यापक रूप से जो बोली जाने वाली जो भाषा है वो हमारी कौन सी है, मलयालम है। यहाँ तो कोई समस्या, यहाँ तो कोई समस्या, विशाल पटेल बोल रहे हैं सी, नहीं बच्चा उर्दू नहीं होगी, निशामनी ब्लॉक ए, नहीं बच्चा हिंदी नहीं, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, मलयालम होगा, क्या होगा, मलयालम होगा। प्रिया शर्मा नो सर, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, अब जान गई ना प्रिया शर्मा, तो क्या होगा, लक्षद्वीप का व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी, मलयालम ही होगी, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता हमारा, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, यूनियन टेरिटरी बात कर रहा है यहाँ पर, किसकी बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, जल्दी कमेंट करो, बताओ जल्दी से, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे छोटा कौन सा होगा, ठीक है, अब जस्ट बताओ जल्दी से। प्रिया शर्मा बोली डी पौंडीचेरी, विशाल पटेल बोल रहे हैं सी सर, प्रिया शर्मा सॉरी सी, अच्छा सो सी, और कमेंट करोगे, सी प्रगति सागर सी, निशामनी ब्लॉक सी, ठीक है, और देखो बच्चा गुड, आप किसे याद आ रहे हैं, देखो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप बोलोगे क्या, लक्षद्वीप, क्या होगा,
लक्षद्वीप होगा हमारा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो जाएगा हमारा। कोई समस्या यहाँ पर? तो अब हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने पढ़ा कि छोटा आइलैंड कौन सा होगा, मतलब कि छोटा, सॉरी, छोटा के अनुसार से प्रदेश कौन सा होगा, लक्षद्वीप। अब छोटा हमने पढ़ लिया, अब बड़ा बता दो, अब सबसे बड़ा आइलैंड कौन, सॉरी, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, जल्दी बताओ, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा। हमने छोटा पढ़ लिया यहाँ पर कि स्मॉल 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 यूनियन टेरिटरी क्या है, लक्षद्वीप है। तो अब बताओ कि बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी होगी, बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी होगी, जल्दी कमेंट करके बताओ, बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी होगी हमारी, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी होगी, कमेंट करो जल्दी से। देखो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी हमारी कौन सी होगी, तो बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी मतलब कि बिग, बिगेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है, बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी हमारी है लद्दाख। कौन सी है? लद्दाख है। अब बात आई समझ में? स्मॉल कौन सी थी? लक्षद्वीप। बिगेस्ट कौन सी होगी? लद्दाख होगी। प्रिया शर्मा बोल रही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं बच्चा, ठीक है। प्रीति सागर, लद्दाख ही होगा, ठीक है, क्या होगा? लद्दाख होगा। बिगेस्ट यूटी कौन सी है? लद्दाख होगा। और छोटा कौन सा होगा? लक्षद्वीप होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? चलिए आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता हमारा, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? इसको तो लोग कमेंट करो जल्दी, जल्दी कमेंट करो जल्दी से, लक्षद्वीप की राजधानी बताने बच्चा, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, जल्दी बताओ, ये सबको पता होगा, जल्दी बताओ लक्षद्वीप की राजधानी बताओ तुरंत, क्या होगा देख के बताओ, अगत्ती, ठीक है, अंद्रुत, मिनिकॉय, कवरत्ती, क्या कौन सा होगा, सबको पता है, जल्दी बताओ, बी, अर्धुत, अंद्रुत, ठीक है, और लगा था मुझे ऋषभ महाजन बोल रहे हैं, बताओ जल्दी से, और बताओ अच्छे कमेंट करो, कौन सा होना चाहिए लक्षद्वीप की राजधानी, कौन सी होनी चाहिए? विशाल पटेल बोल रहे हैं सी सर, मिनिकॉय, अच्छा। निशामनी ब्लॉक बोल रही है डी, अच्छा, चलो देखते हैं किसका सही है। विशाल पटेल बोले सी है सर, अच्छा, जल्दी बताओ। तो निशामनी ब्लॉक आपका सही है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है हमारी, कौन सी है? कवरत्ती है। क्या है? कवरत्ती है। कौन सा है? कवरत्ती है। कोई समस्या पर? कोई दिक्कत? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हलवा क्वेश्चन, तो वही है ये कि लक्षद्वीप की राजधानी पूछ लेता है। प्रीति सागर कवरत्ती, गुड बच्चा, चलो। विशाल पटेल सीख गए, अब बोल रहे हैं डी है सर, चलो बच्चा कोई बात नहीं, चलो। तो कैपिटल और लक्षद्वीप समझ आया, कैपिटल लक्षद्वीप क्या है? कवरत्ती है, ठीक है। चलो आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लक्षद्वीप की न्यायिक राजधानी कहाँ है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास दे रखा है, कलकत्ता, गुजरात, केरल और कर्नाटका, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए आंसर? निशामनी बताओ, जल्दी बताओ आंसर। आरुषि गुप्ता सर डी, आरुषि गुप्ता बोल रही है सर डी होगा, कर्नाटका होगा, अच्छा। और विशाल पटेल सी बोल रहे हैं केरला, अच्छा। ऋषभ महाजन ए, कलकत्ता, बच्चा मिस कर रहे कुछ, ऋषभ महाजन मिस कर रहे कुछ, ए नहीं होना चाहिए, ऋषभ महाजन सुधारो, ए नहीं, और कोई जल्दी जल्दी कमेंट करो। देखो बोला है कि लक्षद्वीप की न्यायिक राजधानी क्या है, थोड़ा आपको थोड़ा भूमिका बता दूं। देखो भारत में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है वो कितना है हमारा, एक है, जो कि कहाँ पर है,
दिल्ली में है, ठीक है। जो हमारे हाई कोर्ट हैं, ठीक है, वो कितने हमारे 25 हैं, कितने हैं 25 हैं, और भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं, ठीक है, और हाई कोर्ट कितने दे रखे हैं 25। तो बाकी जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, जैसे लक्षद्वीप का हाई कोर्ट तो बना नहीं होगा, ठीक है, अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट बना नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर कोई मुद्दा उठता है तो वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे, ठीक है, वो लोग कहाँ पे जाएंगे। तो देखो, बोला है कि लक्षद्वीप का अगर न्यायिक राजधानी मतलब कि जुडिशियल कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो जितने लोग आपको सी बोले हैं वो उन सभी के लोगों का सी है, और जिन्होंने सी नहीं बोला है अब आगे से क्या बोलेंगे, सी ही बोलना, मतलब कि सी मतलब क्या, केरला ही बोलना, कहीं सी में कुछ और लिखा हो वही बोल दो, ठीक है ना। तो क्या होगा, लक्षद्वीप की न्यायिक राजधानी क्या होगी, केरला ही होगी हमारी। कोई समस्या यहाँ पर, कोई दिक्कत? आरुषि गुप्ता सर, ये मैंने ऐसे पहले वाला क्वेश्चन आया था, अच्छा ठीक है, और कोई, ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, जो हमारी जुडिशियल कैपिटल होगी ऑफ लक्षद्वीप की वो क्या होगी, हमारी केरला ही होगी। अब देखो, ये हमारा भारत, ठीक है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो इसके सबसे नज़दीक कौन सा है, यहाँ पे क्या है हमारा, केरला है, क्या है, केरला है, तो जो सबसे नज़दीक होगा वहीं पर क्या बन जाती है, न्यायिक कैपिटल बन जाती है, मतलब क्या, जुडिशियल कैपिटल मतलब कि न्यायिक राजधानी, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा, देखो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है और इसमें बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। प्रिया शर्मा, दिक्कत ही दिक्कत है सर, कोई बात नहीं, हम सारी दिक्कत मिटा सकते हैं, ठीक है ना, बस ये कि पढ़ते रहो, जो भी दिक्कत आएगी हम हैं, ठीक है ना। अब चलें, ये क्वेश्चन चलते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग खोल के, क्योंकि इससे हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, क्या जुड़ी है, हिस्ट्री भी जुड़ी है, ठीक है ना। तो देखो, विच कंट्री एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट यूरोपियन कॉलोनी इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, किस देश ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली यूरोपीय उपनिवेश स्थापित किया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विशाल पटेल बोल रहे हैं डी, स्पेन सर, ठीक है। निशामनी ब्लॉक बोल रही है बी, बहुत सही निशामनी, बहुत सही, बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ जल्दी से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली यूरोपीय उपनिवेश स्थापित किसने की थी। यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस और स्पेन, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, कमेंट करो, कोई दिक्कत यहाँ पर, जल्दी कमेंट करो क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी दे दो। निशामनी ब्लॉक बी बोल रही है, विशाल पटेल डी बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहले जो यूरोपीय उपनिवेश स्थापित की थी उसका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, डेनमार्क, क्या हो जाएगा, डेनमार्क ने ही पहली बार अंडमान निकोबार में पहली बार उपनिवेश स्थापित किया था, ठीक है, उपनिवेश स्थापित किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट यहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली यूरोपीय जो उपनिवेश स्थापित की था कौन सा था, डेनमार्क था, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई समस्या। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, देखो, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ कैल्पोंग रिवर, ठीक है, कल्पोंग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो चाहे एसएससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही डालता जाता है बेस का, जिससे बच्चा पढ़ते क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। इसको कभी भी क्लास में ये शब्द नहीं पढ़ा जाता है, कल्पोंग नदी, और क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाता है, तब सोचता है पता नहीं किस मंगल ग्रह से क्वेश्चन आ गया,
ठीक है, तो यही दिक्कत करता है। अब बोला क्या है, कल्पांग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कल्पांग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। सब मुझे भी बी लग रहा था बट ए के साथ कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निशावनी ब्लॉक बी, साक्षी त्रिपाठी बोले जी सर जी, साक्षी त्रिपाठी जवाब दीजिए क्या होगा इसमें सही, कल्पांग नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। विशाल पटेल ओके सर, जल्दी कमेंट करो कि कल्पांग नदी का जो उद्गम स्थल होगा वो कहाँ पर होगा, कल्पांग नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर होगा, सैडल पीक में कि माउंट थुलियर में कि माउंट हैरियट में कि नन ऑफ दी अबव, बताओ जल्दी से कमेंट करो। बी एंड ए में से, अच्छा कन्फ्यूज हो, बोल रहे हैं कि बी या तो ए होगा, ठीक है चलो कुछ हद तक तुक्का सही लग रहा तुम लोगों का। और कोई, निशामनी ब्लॉक बोले सर ए कन्फर्म, अच्छा कन्फर्म हो गया निशामनी, ए कन्फर्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। देखो तो कल्पांग नदी का जो उद्गम हुआ है, निशामनी बिल्कुल सही बोल रही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सैडल पीक में, ठीक है, सैडल पीक से आपकी कल्पांग नदी का निकलती है, निकलती है आपकी सैडल पीक से, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या, साक्षी त्रिपाठी बोल रही बी सर, बी नहीं होगा बच्चा, क्या होगा, ए होगा, सैडल पीक होगा, ठीक है। निशामनी हंस रही है, अच्छा साक्षी त्रिपाठी मुंह में बनाओ, अगला क्वेश्चन सही करना, ठीक है, गलती सबसे होती है। सैडल पीक क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो कल्पांग नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, सैडल पीक से है। और सुनो, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो भी बच्चा सैडल पीक ही है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, कौन सा है, सैडल पीक ही हमारा क्या है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अंडमान निकोबार। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई समस्या, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन में नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर की ऊंचाई कितनी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर की ऊंचाई कितनी है, बताओ जल्दी से। हमारा जो ये पोर्ट ब्लेयर है उसकी जो हाइट पूछी है कितनी ऊंची है, आप क्वेश्चन इतना तगड़ा पूछ लेता है एग्जाम में कि बच्चा देखते ही ऑप्शन को समझ ही नहीं आ रहा है। अगर ना बच्चा ना पढ़ा हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को बच्चा ना पढ़ा हो वो लगा ही नहीं पाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रहेगा 60 मीटर, 26 मीटर और 66 मीटर और 16 मीटर, कोई बताना चाहेगा। निशामनी ब्लॉक बोल रही है सर तुक्का सही लगा, अच्छी बात है, भगवान करे पेपर में तुक्का सही लगे तुम लोगों का, ठीक है, और सबका लगे, पर तुक्का से काम नहीं चलेगा ना बच्चा, हमको पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तुक्का वहाँ चलता है जहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, ठीक है, जिससे पेपर में तुक्का लगाने की जरूरत पड़े ही ना हम लोगों को, ठीक है। चलिए अब आते हैं पोर्ट ब्लेयर की ऊँचाई कितनी है, पोर्ट ब्लेयर की ऊँचाई कितनी है, एल्टीट्यूड पूछा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करो जल्दी से क्या होगा, कमेंट करो तुरंत क्या होना चाहिए कमेंट। साक्षी त्रिपाठी बोल रही है सर डी 16 मीटर, वाह बहुत सही। निशावनी ब्लॉक हंस रही है, गुड चलो हंसते रहो बच्चा। साक्षी त्रिपाठी डी बोल रही है, अरे बहुत सही। और कोई, साक्षी त्रिपाठी बोल रही है 16 मीटर, अच्छा तो देखो बच्चा बिल्कुल राइट ऑप्शन है साक्षी त्रिपाठी जी का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो पोर्ट ब्लेयर की जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, 16 मीटर ही है, कितना है 16 मीटर ही है बच्चा, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई समस्या, क्योंकि देखो बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्या है डाटा बेस पर पूछा है, अब डाटा बेस हमको याद करना पड़ता है, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा आपका, समझ में आया, ये बिना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, क्या है आपका डेटा बेस का क्वेश्चन है, अगर डाटा याद होगा तभी क्वेश्चन क्या होगा लग पाएगा आपसे, ठीक है। कन्फ्यूजिंग है निशा, अच्छा आपको कन्फ्यूजिंग था बच्चा, सर 16 या तो 60, नहीं बच्चा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 16 ही होगा, ठीक है याद कर लो उसको, 16 मीटर, ठीक है निशामनी,
विशाल पटेल नहीं पता सर, अब विशाल पता चल गया, क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा हमारा, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, इसको कोई बच्चा गलत मत करना, हाथ जोड़ रहे हैं, इसको गलत क्वेश्चन मत करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बता रखा है क्वेश्चन, ठीक है, क्लास में बता रखा है कि वेयर इज इंदिरा पॉइंट इज सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड, जल्दी बताओ विशाल, साक्षी, निशामनी, ठीक है जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पे लाई करता है हमारा, इसमें बताओ जल्दी, ऑप्शन नंबर आपके पास है, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कार निकोबार, नन ऑफ दीज, जल्दी बताओ, कमेंट करो, विशाल पटेल का आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं विशाल, गुड विशाल, जल्दी उनका विशाल का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ग्रेट निकोबार, और निशामनी ब्लॉक ए बोल रहे हैं, गुड, सबका राइट आंसर आ रहा है। तो सुनो, दक्षिणी बिंदु का, ठीक है, जो इंदिरा पॉइंट है कहाँ लाया करता है, वो लाया करता है ग्रेट निकोबार में, कहाँ लाया करता है, ग्रेट निकोबार में करता है, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में लाया करता है बच्चा आपका, ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोलता हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायिक राजधानी क्या है, अभी हमने पढ़ा था लक्षद्वीप का, अब क्या आ गया, अंडमान निकोबार का क्या बताना है, न्यायिक राजधानी बतानी है, मतलब कि जुडिशियल कैपिटल बतानी है किसकी, अंडमान निकोबार आइलैंड की, ऑप्शन आपके पास है कलकत्ता, मद्रास, उड़ीसा, कर्नाटका, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, निशावनी ब्लॉक ब्लॉक बोल रही सर, आज ही पढ़ाया है, ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायिक राजधानी क्या होगी, क्या बतानी है, न्यायिक राजधानी बतानी है, जुडिशियल कैपिटल बताना है, जल्दी बताओ, देख के बताओ क्या होना चाहिए आपका, कलकत्ता होना चाहिए, मद्रास की, उड़ीसा की, कर्नाटका, देखो ये हमारा भारत, ठीक है, अंडमान निकोबार यहाँ लाया करता है, अब देखो इसके पास सबसे ज़्यादा कौन सा इनमें से सबसे पास में है, विशाल पटेल बोल रहे हैं बी, मद्रास बोल रहे हैं, सबका मद्रास आ रहा है, अनमोल राजपूत बी बोल रहे हैं, ठीक है, बिश्नोई रमेश बी बोल रहे हैं, विशाल पटेल बी बोल रहे हैं, और निशावनी ब्लॉक भी बी बोल रही है, तो बताओ बी होगा सर, मद्रास, जल्दी बताओ, हमको लग नहीं रहा है, बताओ जल्दी, कुछ डाउट है इसमें, क्या होगा, देखो हमारा इज द राइट ऑप्शन होगा इसमें कलकत्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलकत्ता इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि अंडमान निकोबार का जो लक्ष्य, जो न्यायिक राजधानी है, जुडिशियल कैपिटल है, वो कहाँ पर है आपका, वो आपका है कलकत्ता में लाया करता है, कहाँ पर, कलकत्ता में लाया करता है, बिश्नोई रमेश, यस सर, अब समझ में आया बच्चा, निशामनी ब्लॉक बी, अब आ रहा बी, सर मेरा गैस क्या है, क्या होगा बच्चा, बी होगा ना, ठीक है बी होगा, जल्दी बताओ, अब आप याद रखना कि अंडमान निकोबार का जो न्यायिक राजधानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कलकत्ता इज द राइट ऑप्शन, और कलकत्ता हमारा यहाँ पे लाया करेगा, तो इसके क्या होगा, सबसे करीबी होगा, ठीक है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कलकत्ता इज द राइट ऑप्शन, कोई दिक्कत है यहाँ पर, मैंने बताया था सर, बिश्नोई रमेश, गुड बच्चा, अच्छी बात है आपने बताया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, गुड, अब कोई दिक्कत है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, लक्षद्वीप का क्या होगा न्यायिक राजधानी, केरल, और अंडमान निकोबार का क्या हो जाएगा, कलकत्ता इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी ईयर डिड द जापनीज ऑक्यूपाई, जापनीज ऑक्यूपाई अंडमान निकोबार ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बिल्कुल डेटाबेस क्वेश्चन है, बिल्कुल डेटाबेस है, और यहाँ पे एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी क्या है,
ज़्यादा है आने की। मैं कह रहा हूँ कि इस बार आइलैंड से बनने वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे, चाहे हिस्ट्री से हो चाहे ज्योग्राफी से हो, सारा खत्म करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने कितने वर्षों तक अंडमान और निकोबार पर कब्जा किया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चा, मारो अपने हिसाब से क्या होगा आंसर तुम लोगों का, तुम लोगों के हिसाब से आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करो। अनमोल राजपूत कमेंट करो जल्दी से, निशामनी ब्लॉक करो जल्दी से कमेंट करो, विशाल जल्दी कमेंट करो क्या होना चाहिए आंसर क्या होगा। ऑप्शन में एक देखा है, वन ईयर, टू ईयर, थ्री ईयर, फोर ईयर, क्या होगा आंसर इसका। चलिए, लग रहा बच्चों को नहीं आ रहा क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, अगर बच्चा पढ़ा है तो क्या होगा बता देगा, नहीं पढ़ा तो तुक्का ही मार के आएगा पक्का है। तो देखो आगे से चीज ध्यान रखना कि जापानी सेना द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अंडमान निकोबार में जो कब्जा किया गया था वो 3 साल के लिए किया गया था। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए किया गया था। 3 ईयर इज द राइट ऑप्शन, 3 ईयर इज द राइट ऑप्शन। कोई समस्या यहाँ पर, कोई दिक्कत? विशाल पटेल बोल रहे हैं बी, नहीं बच्चा 2 ईयर नहीं होगा, 3 ईयर होगा। कितना होगा? 3 ईयर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? विशाल पटेल क्या बोल रहे हैं? बी, तो बी अब ध्यान रखना, बी नहीं 3 ईयर होगा। कितना होगा? 3 ईयर होगा, 2 ईयर नहीं, 3 ईयर होगा। अपने दिमाग में बिठा लेना इस चीज़ को कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों के द्वारा अंडमान निकोबार में जो कब्जा किया गया था कितने साल के लिए? 3 साल के लिए किया गया था। समझ में आ गया? चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन हमारा ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट रटलैंड आइलैंड एंड लिटिल अंडमान। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ भी बच्चा कंफ्यूज होगा, क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन का जो पूछने का तो तरीका है बिल्कुल अलग है। रटलैंड आइलैंड एंड लिटिल अंडमान को अलग करने वाली जो लाइन्स हैं वो कौन सी होगी? पाक स्टेट, दक्कन पासेस, गल्फ ऑफ मन्नार और 10 डिग्री चैनल, कौन सा होगा जल्दी बताओ। विशाल पटेल बोल रहे सर डी ऑप्शन, 10 डिग्री चैनल, नहीं बच्चा डी नहीं, नहीं डी नहीं होगा। डी मैंने अभी बताया था आपको कि अंडमान और निकोबार को बांटती है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ क्या बोला है, रटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान। और सुनो अभी समझ में आ जाएगा, इसको लिख लेना आप लोग मिडिल अंडमान, क्या लिख लेना, मिडिल अंडमान। अब शायद आप लोग आंसर बताने लायक हो जाओगे, अब आज ही पढ़ाया था आपको, आज ही मैंने बताया आपको कि रटलैंड आइलैंड को लिख लेना मिडिल अंडमान, आप बताओ आंसर क्या होगा, बताओ क्या होगा आंसर। अनमोल राजपूत सर बी, ड्यूकन पासेज, बहुत बढ़िया अनमोल राजपूत बोले सर बी ऑप्शन, गुड। देखो रटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान को बांटने वाली जो पासेज है, जो जगह स्पेस है, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूकन पासेज बोलते हैं। समझ में आया? और पाक स्टेट कहां पर है? पाक स्टेट बोलेंगे आप लोग इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। समझ में आ गया? आया समझ में? कोई दिक्कत यहां पर, कोई समस्या? तो देखो आज हमने पढ़ा क्या आइलैंड के बारे में, ठीक है, आज हमने आइलैंड को विस्तृत से पढ़ा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले दिन हम कुछ और बेहतरीन लेकर आएंगे आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, चलो।